गुड मॉर्निंग गाइस, करते हैं एक और नई वीडियो की शुरुआत। और आज है मेरे Uber Eats 30 डे चैलेंज का डे नंबर 3। और जो भी इस चैनल पे नया है उनको मैं बता दूं कि ये जो 30 डे चैलेंज है इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं कर रहा मैं। इसमें सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया है एज ए Uber Eats ड्राइवर। तो खाना डिलीवरी करता हूं और उससे जो भी पैसा बचता है, जो भी सेविंग होनी है, उसको मैं जब इंडिया आ रहा हूं 3 महीने बाद, जनवरी में मैं इंडिया आ रहा हूं, उस टाइम पे उस चीज से मैंने जो मेरे ड्रीम्स थे उनको पूरा करने वाला हूं। तो इसलिए मैंने ये चैलेंज खुद के लिए ही रखा है। तो आज का दिन बड़ा अच्छा है, बारिश वारिश का कोई सीन है नहीं भाई, आज बड़ा सही मौसम है। वैसे मैंने जैकेट मोटी पहन ली है क्योंकि टेम्परेचर फिर भी 10-11 रहता है और अभी बारिश होने लगी तो यार जैकेट तो देखो एक चाहिएगी ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं काम की शुरुआत, क्योंकि अभी 11:42 हो चुके हैं। उठ तो मैं 9:30 बजे गया था बट पता नहीं क्यों लेजी सा रहता हूँ। सुबह उठ के खाना वाना बनाना, ब्रेकफास्ट करना, नहाना धोना, रेडी होना, वीडियो देखने लग गया, टीवी देखने लग गया, लाइक ऐसे ही टाइम खराब हो जाता है। तो चलो करते हैं काम को शुरू। और आज भी वही हमारा अंदाजा रहेगा, 10-11 बजे तक काम करेंगे। अगर काम सही रहता है तो लेट कर लेंगे, नहीं तो 9 बजे 10 बजे बंद करके अपने घर आ जाएंगे, ठीक है। अब जो भी पैसा बनेगा वो महीने के एंड में मैं बताऊंगा कि मैंने महीने में कितना अर्न किया Uber Eats से और क्या वो सफिशियंट है मेरे उस जो मेरा ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए। नहीं है तो इस 30 डेज को हम 60 डेज कर देंगे, 90 डेज कर देंगे, क्योंकि 3 महीने पूरे हैं मेरे। और भाई अभी जो है हमने कर ली अपनी Uber की ऐप ऑन और देखते हैं पहला ऑर्डर कहाँ का आता है, अच्छा है, कैसा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, क्योंकि मैं $10 से कम का ऑर्डर नहीं उठाता हूँ भाई। और इसीलिए मैं $10 से नीचे के ऑर्डर को सबको छोटा ही मानता हूँ, ठीक है। बट लेट्स सी, हमने ऐप कर दिया और आज जो बिजी एरिया दिखा रहा है वो डाउनटाउन के नज़दीक दिखा रहा है, वेस्ट रोडवे पे, वेस्ट फोर्ट के आसपास। बट वहाँ तो नहीं जाने वाला मैं, यहीं से देखते मेन स्ट्रीट से हमें कुछ मिलता है। ऑन करने के 2 मिनट के तुरंत बाद हमें ऑर्डर आ गया है जो कि मेन स्ट्रीट से उठाना है। और ऑर्डर वही कहा ना मैंने, 10 से कम का नहीं उठाता मैं, तो 10 ही का आया है। और अभी एक और एडिशनल ऑर्डर आ गया जो इसी में ऐड करना है वो भी। तो फाइनली जो पहला ऑर्डर है, यानी जो पहले 2 ऑर्डर हैं, वो $25 के बन चुके अपने, ठीक है। तो अभी ये डिलीवर कर देते हैं, इनको UBC एरिया में डिलीवर करना है तो इनको जल्दी से डिलीवर करते हैं और फिर अगले ऑर्डर को देखते हैं UBC से क्या मिलता है, क्योंकि UBC से बेसिकली इतने अच्छे ऑर्डर नहीं मिलते हैं, वहाँ छोटे छोटे $4-5 के मिलते हैं। बट चलो, हवा देख रहे हो कितनी तेज चल पड़ी भाई, शुक्र है मैं मोटी जैकेट पहन के आ गए। देखो पेड़ कितनी तेज हवा चल रही है, मतलब आई डोंट नो ये कैसा वेदर हो रहा है आजकल। बारिश तो नहीं आई है अभी तक बट हवा बहुत स्पीड से चल रही है और ऐसी हवा में ना नाक बिल्कुल ऐसे ना, जो नाक की आगे वाली वो होती है चोच, वो इतनी लाल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और UBC में आने के बाद वापस या तो कोई अच्छा ऑर्डर आ जाए तो जाना पड़ता, नहीं तो यार वापस कम से कम भी बहुत लंबा रन है। आज संडे है बट काम फिर भी ठीक है और सुबह से इन्होंने मेरे को UBC में भेज रखा है। अब मैं UBC से बाहर निकल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो ऑर्डर आते हैं ना $5-5 के, $6-6 के अंदर ही घूमते रहो UBC में। और UBC में कंस्ट्रक्शन हो रही है तो हमेशा पार्किंग कहीं ना कहीं, और जो बीच के ब्लॉक है ना वहाँ पे क्या कर रखा, वहाँ पे गाड़ी जाना बंद कर रखा है, लाइक साइकिलिंग या पैदल वाले ही जा सकते हैं। तो फिर गाड़ी पीछे लगा के पैदल उतर के देखे आओ भैया, इतना नहीं होगा हमारे से। तो मैं तो फाइनली बाहर निकल रहा हूँ, UBC से बाहर जाके करेंगे यार कम से कम अच्छे ऑर्डर, चाहे थोड़ा सा ड्राइव ज्यादा बन जाता है, ज्यादा दूर करना पड़ता है, बट ऑर्डर तो ठीक आते हैं, पैसा तो बन जाता है। और हमें हाँ, मेरा जो एम है वो है पैसा बनाना, डिस्टेंस देखना नहीं है। डिस्टेंस के लिए हमारी गाड़ी देख लेगी जो भी है, जितना भी है, मैं लोगों की तरह कैलकुलेशन नहीं करता। तो ये जो मैं बता रहा था पैसिफिक स्प्रेड दोनों तरफ जो जंगल जिसको मैं बताता हूँ वो है, और भाई इस पे इतना मजा, लोग रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी स्पीड वाले खड़े होते हैं पीछे। आज तो नहीं थे बट फिर भी मैं तो अपनी 55 की स्पीड पे, 50 की स्पीड अलाउड है यार, 50 पे ही चलता हूँ भाई मैं। बीच में 60 की है लेकिन अब आगे दोबारा 50 की आ जाएगी क्योंकि सिटी में एंटर कर रहे हैं हम यहाँ से। तो बट स्टिल मैं तो 50 ही चलाता हूँ भाई, सारे रूल फॉलो करता हूँ और फॉलो करने भी चाहिए ना भाई। आप जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री के रूल फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको आपको लॉस ही होना है, लाइसेंस बैन हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, फाइन दोगे। और देखो यार शुरू से ही ना मेरी एक आदत रही है, वो आदत क्या रही है कि जैसे जो लोग Uber Eats करते हैं, स्किप द डिशेस करते हैं, कोई भी डिलीवरी की जॉब करते हैं ना, वो सबसे पहले चेक करते हैं कितने किलोमीटर पड़ रहा है, कितना हमें फायदा है, नुकसान है, लॉस है, क्या है। अब यार देखो मैं मानता हूँ वो सोचना भी सही है, लेकिन एक बात बताओ, अगर काम बिजी चल रहा है और उस काम में आपको थोड़ा सा मान लो 8 किलोमीटर के ऑर्डर पे या आपको दे रहे हैं $12 का ऑर्डर और वो थोड़ा सा बाहर निकल के 8 किलोमीटर और हो सकता है आपको 8 किलोमीटर उल्टा खाली भी आना पड़े उस एरिया से, तो मेरे को ये लगता है यार एटलीस्ट कुछ भी है, गाड़ी तो अब ले ली, गाड़ी तो मतलब ले ली, अब इसकी किस्तें तो जाएंगी, इसको तो नहीं रोक सकते।
लेकिन पैसे की जो अर्निंग का जो मौका मिल रहा है उसको छोड़ रहे हैं ना। अब हम ये वेट करते रहे कि यार $15 का ऑर्डर आएगा 2 किलोमीटर का, ऐसा नहीं होगा भाई। तो मेरा शुरू से ही फंडा ही रहा है, पहले से ही जब से मैंने काम शुरू किया था, कि यार गाड़ी तो चलने के लिए ही बनी है। ठीक है मेंटेनेंस नहीं है गाड़ी, कोई बात नहीं, अगर है भी, अगर दिन में आप $400 कमा रहे हो और गाड़ी मेंटेनेंस मांग रही है 2 महीने में एक बार $200 मांग रही है $300, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 6 महीने में टायर मांग रही है $1000 के, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये देखो ना, आप कमा रहे हो, आप पूरा दिन रोड पे हो भी और काम करने को कुछ मिल नहीं रहा, तो समझ रहे हो ना मेरा कंसेप्ट। तो मेरा कंसेप्ट ये है, जब आप घर से निकल ही चुके हो ना, तो देन यू हैव टू वर्क, और वर्क चाहे वो कितनी दूर का भी हो। अगर आपको ऑर्डर अच्छा आया है, चाहे वो 12 किलोमीटर का है, मैं दे देता हूँ, मैं यहाँ से यूबीसी से बर्न भी दे आता हूँ, लेकिन ऑर्डर $25-30 का होना चाहिए। अब लोग ये कहेंगे यार $22 किलोमीटर तो जाने का ही हो गया। हाँ भाई बिल्कुल हो गया, 22 किलोमीटर जाने का और 22 आने का हो गया, लेकिन रस्ते में इन बिटवीन मैं ऐसा क्यों सोच के चलो मुझे ऑर्डर नहीं आना, मुझे रस्ते में ऑर्डर आ गया तो $25-30 ये बन रहे हैं, रस्ते से 10-5 का और आ जाएगा, $40 में मैं 40 किलोमीटर चला गया, क्या हो गया। और अगर खाली भी आ गया कोई बात नहीं, लेकिन दिन की एवरेज तो निकाल ली ना मैंने। तो मेरा टारगेट फिक्स होता है दिन की एवरेज निकालना, कि मुझे दिन में 20,000 रुपए कमाने इंडिया के, तो मैं 20 ही कमा के घर जाऊंगा, चाहे उसमें कितना लंबा भी रन हो मेरा। हाँ, तो घंटे की एवरेज निकालनी होती है। और नॉर्मली जो ऊबर के ड्राइवर हैं, जो ऊबर ईट्स करते हैं, तो वैंकूवर में ऊबर करने का मतलब घंटे की एवरेज निकालते हैं तो $22-20 घंटे की एवरेज निकल जाती है, एक घंटे के $20, तो ₹1200 अगर एक घंटे के बन रहे हैं हमें इंडिया के ₹1200, देन इट्स गुड मैन, इट्स गुड, और क्या चाहिए आपको। और ऊबर की जॉब जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद इसीलिए आती है, ऊबर हुआ, स्किप हुआ, कुछ भी हुआ, मन मर्जी के मालिक हो भाई। अभी मैं ये ऑर्डर करने के बाद ऐप बंद करके घर जाके सो जाता हूँ, कोई मेरे से ये पूछने वाला नहीं है क्या हुआ। और पैसे अगर मैं किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहा हूँ तो वो ये कहेंगे कल शिफ्ट है आना पड़ेगा, नहीं अभी मेरा मन नहीं है, तो नहीं भाई 9 घंटे की शिफ्ट 8 घंटे की लगानी पड़ेगी, नहीं तब तक पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं तुमने इस टाइम पे ये कर दिया, इस टाइम पे वो चिक चिक सुनो, ये करो वो करो। वो दिन के 100-110 डॉलर बनाते हैं, 160 बना लेंगे ज़्यादा। हम दिन के 200-300-400 डॉलर, डिपेंड है आप कितना काम करते हो, कैसा बिजी चल रहा है, लेकिन एवरेज तो 200 है ही। अगर दिन के 200 बन रहे हैं, 12-14 हज़ार रुपये दिन के बन रहे हैं आपके, तो क्या चाहिए आपको। ठीक है आपका खर्चा निकल जाए सब कुछ, तो इसलिए मेरे लिए ऊबर और ये जो भी स्टूडेंट के लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन यार वही बात है, सबका अपना टेस्ट है। हमारे अंकल ने कितनी सही पेंटिंग बना दी ना, वो भी हाथ से, ये सारी हाथ से बना माना, ये बहुत छोटी सी चिड़िया है, देख रही है क्या कलर है भाई पत्तों का, क्या कलर है। यूबीसी में डिफरेंट लेवल की वो रखी है भाई, डिफरेंट लेवल की। सामने देखो पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बिल्कुल येलो कलर के, आई डोंट नो वीडियो में कैसा कलर दिख रहा होगा, बट बाकी सारे ग्रीन और वो सामने देखो। अरे भैया, अरे भैया कितने सुंदर पेड़ लग रहे ना, ये लेमन कलर, पता नहीं कैसे कैसे कलर। यूबीसी में वैसे आज संडे है, शांति बहुत है, और ये बिल्डिंग अभी नई बनी है, ये सारी बिल्डिंगें नई बनने लग रही हैं, मेरे सामने ही बनी है, पहले यहाँ वो छोटे अपार्टमेंट टाइप होते थे, बट अभी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। सो अगेन, जहाँ मैंने अभी लास्ट ऑर्डर डिलीवर किया था वहीं पे अभी ये दूसरा भी डिलीवर किया है वापस यहीं आगे। अभी फिर बाहर चलते हैं यूबीसी से एंड देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, कहाँ का ऑर्डर आता है। ठीक है, अरे भाई ये जो गोल्डन रोड है ना, गोल्डन रोड कहूंगा मैं इसको, क्योंकि पत्ते जो है ना, वीडियो में कभी भी पत्तों का कलर बिल्कुल सही नहीं आ रहा है, मैंने देख लिया वीडियो में, मैंने बार बार चेक कर रहा हूं, लेकिन जो एक्चुअल जो कलर हम देख पा रहे हैं ना अपनी आंखों से, वो कलर आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, बट यार सुंदर तो आपको भी लग रहा होगा, बहुत सुंदर रोड लग रहा, बहुत ही ज्यादा। तो भाई वो आ रहा है, हेलोवीन नाइट आ रही है, तो पम्पकिन का ये बड़ा सीजन है, कितना बड़ा पेठा है। देखो रेस्टोरेंट में दीवार पे पेंटिंग देखो ना, कितने सुंदर कर रखी है, पुरानी गाड़ियाँ। तो इस वाले बटन को प्रेस करना है रोड क्रॉस करने के लिए, पेडेस्ट्रियन लाइट है और यहाँ पे सेल भी लगी हुई है। अभी देखो सामने ना, वहाँ से ना ट्रेन जाएगी, और ये ट्रेन जा रही है डाउनटाउन में, दिख रही है
ये स्काई ट्रेन है और इसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होता, ना कोई कंडक्टर होता है, अपने आप ही चलती है। और ये पीछे जो दिख रहा है ये कमर्शियल ड्राइव स्टेशन है, स्काई ट्रेन स्टेशन। और हमारी जो धन्नो है वो खड़ी दिख रही है, हैजर्ड लाइट ऑन नहीं करता मैं। वैसे ये कमर्शियल लेन होती है, इन कमर्शियल लेन में आपको जो इंश्योरेंस है वो कमर्शियल ही लेना पड़ता है, तभी आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो, नहीं तो टिकट मिल जाती है या गाड़ी टो हो जाती है। तो यार ये जो कमर्शियल लेन है ना, ये पूरे कनाडा में है और वैंकूवर में हर जगह ही होती है, जहां पे भी बिजनेसेस हैं वहां पे ये कमर्शियल लेन मिलेंगी मिलेंगी। इनका मतलब क्या होता है, कमर्शियल लेन क्यों होती है, कि जैसे कोई डिलीवरी वाला है तो डिलीवरी वाला मेन रोड पे नहीं खड़ी कर सकता, तो उसको कमर्शियल लेन में खड़ी कर देगा, वो उस पीछे वाली जो साइड वाली या जहां पे भी वो गली है उसमें खड़ी कर देगा और जल्दी से डिलीवरी कराएगा। तो ऐसे ही कमर्शियल अलग से प्लेट मिल जाती है छोटी सी, जिसपे आपका कमर्शियल इंश्योरेंस का नंबर होता है, ठीक है। तो वो उस पे फिर आपको ना बार बार पार्किंग, ना कोई टिकट वाला टिकट देके जाएगा आपको पार्किंग वाला, ना कोई टो वाला टो करके ले जाएगा। लेकिन जैसे मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी थी, ऐसे अगर कोई आ जाता है वो पार्किंग टिकट वाला, तो वो मेरे को टिकट भी देगा और अगर मैं वहां अवेलेबल नहीं हूं तो वो मेरी गाड़ी को टो भी करवा देगा। तो ये थोड़ा सा नुकसान होता है कमर्शियल लेन में खड़े करने का। बट हम डिलीवरी वाले हैं, कई बार रेस्टोरेंट लेट कर देता है तब हमें दिक्कत आती है। कमर्शियल जो इंश्योरेंस है वो महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। अगर नॉर्मल हम $300 पे कर रहे हैं अपने अभी राइट नाउ अपनी गाड़ी का, मैं एवरी मंथ $300 पे कर रहा हूँ, तो जो कमर्शियल है उसको मैं $600-$700 मुझे पे करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा होता है। इकली जो है मैं घर पे अपना खाना खा लेता हूँ, मतलब लंच कर लेता हूँ। आज 4:30 हो गए हैं, 5:30 तक रेस्ट करेंगे, मतलब 1 घंटा वहां पे देंगे और उसके बाद जो है दोबारा से रात के 10-11 बजे तक जब तक काम होगा करेंगे। देख रहे पत्ते देखो यार कितना ढेर लगा हुआ है, सारे गली में पत्ते ही पत्ते। इस टाइम पे कनाडा सबसे गंदा हो जाता है यार, इतने पत्ते हो जाते हैं, इतने ज्यादा, मतलब अभी देखो उड़ रहे हैं पत्ते हवा के साथ। और इसी के साथ साथ एक और शानदार गली से निकलते हुए, भाई यहाँ पे तो कुछ डिफरेंट ही वाइब है भाई, ये तो कंटिन्यू सारे पेड़ ऐसे हो रखे हैं, मतलब बहुत जबरदस्त। और ऊपर से बारिश का मौसम हो रखा है तो थोड़ा सा इनका कलर और भी उभर के आ रहा है, क्योंकि धूप में ज्यादा चमक बन जाती है तो ये चमकने से लग जाते हैं, लाइक वो समझ नहीं आता। लेकिन आप देखो ना कितना कितना सॉफ्ट कलर है इसके, ना कितने सॉफ्ट कलर है, हाय 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 हाय। तो भाई खाना खा के ना मजा आ गया था, 1 घंटे की नींद ली और अभी टाइम हो चुका है 6:45, अगर आप देख रहे होंगे 6:45 हुए और अभी आप निकल पड़े काम पे, और काम पे निकलते ही हमें आ गए थे ऑर्डर और हमने ये ऑर्डर डिलीवर करने हैं। तो भाई आज 12 बज चुके हैं काम करते करते, क्योंकि दिन में 1.5 घंटा मैं सो गया था तो इसलिए काम लेट तक कर लिया। अभी काम खत्म कर रहा हूँ, आखिरी ऑर्डर डिलीवर करना है। आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म और कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर अभी तक वीडियो को देख रहे थे तो लाइक किए बिना मत जाना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, और पेज पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना फेसबुक पे, ठीक है। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए चैलेंज के साथ, डे 4 के साथ, ठीक है। तब तक गुड बाय, गुड नाइट।